आज हम देखने जा रहे हैं प्रेरित पौलुस की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेरित पौलुस की मृत्यु के बारे में। प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार की मृत्यु को सहा, कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, किसने उसको मारा और कैसे प्रेरित पौलुस ने अंतिम दिन को देखा, इस वीडियो में हम बने रहें। आइए हम इस विषय को जानें। प्रेरित पौलुस, जिससे हर एक व्यक्ति इंस्पायर होता है, हम बाइबल में आज हम देखने जा रहे हैं। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने जीवन को दे दिया, और जो कहता है मैंने 39 कोड़े 3 बार खाए हैं, जो कहता है मुझ पर 3 बार पथराव हुआ, 3 बार मेरे जहाज टूटे, और सफर में, यातनाओं में, हर तकलीफों में वो गुजरता गया। लेकिन आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस बात को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर कैसे पौलुस ने अंत के दिनों को देखा और पौलुस ने किस प्रकार अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ रहकर एक अच्छी गवाही के साथ अपने जीवन को जिया, हम उस विषय में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जय मसीह की। मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आऊं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेरित पौलुस की मृत्यु के विषय में। आखिर प्रेरित पौलुस कहां मरा, कब मरा और उसे किसने मृत्यु का दंड दिया, आज हम इस विषय में देखने जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस वही व्यक्ति है जो स्तिफनुस की मृत्यु में भी शामिल था। जब स्तिफनुस पर पथराव किया जा रहा था तो उस समय वो एक विरोधी था, उन लोगों के बीच में शामिल था और मसीहों को वो घसीट घसीट कर ले जाया करता था। जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया है उनको यातनाएं दिया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब प्रेरित पौलुस को इस बात का अधिकार मिला कि वो दमिश्क में जाकर वहाँ के विश्वासियों को सताए, तो प्रेरित पौलुस जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था तो परमेश्वर ने अचानक से उसको दर्शन दिया, वो अंधा हो गया और परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आखिर ये वही पौलुस है जो कलीसियाओं को सताता था, लेकिन वो पौलुस उस समय अंधा हो चुका था और वहाँ पर जो उनके साथी थे वो उसको उठाकर वहाँ से ले गए। लेकिन दमिश्क में एक चेला था जिसका नाम हनन्या था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, हनन्या तू जा और पौलुस के लिए प्रार्थना कर। लेकिन हनन्या कहता है कि वो तो एक सताने वाला व्यक्ति है, उसको अधिकार मिला है कि दमिश्क के लोगों को सताए। जब हनन्या ने इस प्रकार कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तू चला जा क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जब हम प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में इस वचन को देखते हैं, ये बात स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने पौलुस को चुना था ताकि वो आने वाले समय में प्रभु के सुसमाचार के लिए दुख उठाए। और पौलुस बाइबल में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 13 पत्रियों को लिखा, जिसने सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखा है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए हर तकलीफों को सहा। वो टेंट का काम किया करता था, वो तंबू बनाया करता था और वो तंबू से जो परिश्रम करके कमाता था वो सुसमाचार में खर्च किया करता था। वो कहता है कि मैं अपने आप को भी सुसमाचार के लिए खर्च करूंगा। उस पौलुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और ना वो डरा ना वो घबराया, बल्कि यीशु मसीह के जीवित नाम के लिए वो अपने जीवन को देने के लिए भी तैयार था। लेकिन पौलुस को अपनी मृत्यु से पहले इस बात का आभास हो चुका था कि अब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा अपने खुदा के पास। और दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में जब हम देखते हैं पौलुस इस बात का भी जिक्र करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस इस बात को देखकर कि उसकी घड़ी आ चुकी है इस संसार को छोड़ने की, तो इस बात को देखकर वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। वो कहता है कि मैंने वो सब कर लिया जो मुझे करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पौलुस इस बात को जानता है, इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि उसने जो खुदा के लिए किया है सच में वो रिवार्ड के योग्य है। और तीमुथियुस को भी बहुत सारे क्षेत्र में पौलुस बहुत सारे निर्देश देता है ताकि वो प्रभु के वचनों पर, उसके पद चिन्हों पर चलता रहे। तो दोस्तों, रोम का एक ऐसा शासक था जिसका नाम था नीरो। वो एक क्रूर शासक था और कहा जाता है कि उसने अपनी माँ, अपने भाइयों, अपने कुटुंबियों, बहुत सारे लोगों की हत्या की ताकि वो अपनी सत्ता को बनाए रखे। और नीरो एक क्रूर शासक था और जो रोम का शासन था यूरोप के ब्रिटेन से लेकर एशिया के सीरिया तक चलता था। और उनके विषय में हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार वो लोगों को यातनाएं देते थे, तकलीफें देते थे। यदि कोई राजा के विरुद्ध खड़ा होता था तो उनको कैसी कैसी सजाएं दी जाती थी। नीरो और वहां के जो लोग हैं वो भी ऐसे ईश्वर की आराधना करते थे जो हाथों के बनाए गए हैं। रोम के अनुसार सूर्य देवता को वो प्रमुख देवता के रूप में मानते थे। जब उसने देखा कि यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है तो उसको क्रोध आया, उसको गुस्सा आया और नीरो ने प्रेरित पौलुस को मारने का आदेश दिया।
प्रेरित पौलुस के पास दो नागरिकता थी। एक नागरिकता उसके पास रोमन की थी, जिसके कारण से रोम के जो लोग थे उन लोगों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि क्रूस की जो मृत्यु है बहुत ही शर्मनाक और घटिया मानी जाती थी। लेकिन रोम के किसी भी नागरिक को इस प्रकार की क्रूस की सजा नहीं दी जा सकती थी, बल्कि उन्हें अन्य सजाएं दी जाती थी। तो उसी प्रकार पौलुस के पास भी रोम की नागरिकता थी, जिसके कारण से नीरो ने उसे क्रूस पर नहीं चढ़वाया बल्कि उसकी गर्दन को दर्द से अलग किया। सन 67 ईस्वी में सम्राट नीरो के आदेश के द्वारा प्रेरित पौलुस का सर दर्द से अलग किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए खड़ा रहा और उसने अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझा। जब हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए देता है वो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर जब हम प्रभु के चेलों को देखते हैं, तो प्रभु के चेलों ने दुख और तकलीफों को उठाया। हम पतरस की बात करें, मती की बात करें, हर एक वो चेले जो यीशु मसीह के पीछे चले थे यातना, दुख और तकलीफ से होकर गुजरे थे। इस बात का संकेत प्रभु यीशु मसीह ने तब दिया था जब चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस स्वयं उठाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए हमेशा दुख और तकलीफ को उठाने के लिए तैयार रहना है। और पौलुस इस बात को समझ चुका था, और पौलुस ने मृत्यु तक यीशु मसीह की गवाही दी और यीशु मसीह का प्रचार किया। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ बातों को सीखा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय मसीह की।